नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 1996 में सऊदी अरब उन देशों में शामिल था जो पाकिस्तान और तुर्की के साथ तालिबान सरकार को मान्यता देने वाले देशों में अग्रणीय था। उस दौरान अमेरिका में बिल क्लिंटन की सरकार थी और तालिबान का असली चेहरा भी उजागर नहीं हुआ था। सऊदी ने पूर्व की भांति इस बार भी पाकिस्तान से सुर मिलाते हुए अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब अमेरिका उस पर भड़क गया है। उसने सऊदी पर इतना बड़ा एक्शन कर दिया कि अब सऊदी अरब की सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई है। सिर्फ सुरक्षा ही खतरे में नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में दोनों देशों के मजबूत रिश्ते भी रेत के टीले की तरह दरकते दिखने लगे हैं। अफगानिस्तान को लेकर आलोचना झेल रहे अमेरिका ने सऊदी अरब में तैनात टर्मिनेट हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस यानी थर्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को हटाकर अपने एक और मुस्लिम दोस्त को बड़ा झटका दिया है। इस अमेरिकी सिस्टम के हटने के बाद सऊदी अरब को यमन में सक्रिय हुती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ गया है। आपको यह भी बता दें कि सऊदी के पास ऐसे मिसाइल हमलों से बचाव के लिए अब कोई सटीक प्रणाली नहीं है। हुती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जबकि सऊदी और ईरान में 36 का आंकड़ा है। ऐसे में सऊदी की सुरक्षा के लिए एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। साल 2019 के अंत में अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और कई हजार अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया था। उस समय हुती विद्रोहियों के सऊदी अरामको कंपनी के ऊपर किए गए हमलों के कारण तेल उत्पादन बहुत घट गया था। इस कारण पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में अप्रत्याशित इजाफा देखने को मिला था। यह सिस्टम रियाद से लगभग 115 किलोमीटर दूर स्थित एक सैन्य फैसिलिटी प्रिंस सुल्तान एयरबेस के रनवे पर तैनात किया गया था। अमेरिका की पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। सभी मौसम में दागे जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। अभी यह मिसाइल 13 से ज्यादा देशों की सेना में शामिल है, जिनमें ताइवान भी उसका हिस्सा है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब जिस तरह तालिबान के समर्थन में खुलकर सामने आया है, उसने वाशिंगटन की तौलिया चढ़ा दी है। अफगानिस्तान में नए शासन के प्रति अपनी पहली प्रतिक्रिया के रूप में सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने तालिबान के समर्थन वाला बयान दिया था, जो कहीं ना कहीं अमरीका को नागवार गुजरा है। यूं भी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले जो बाइडेन ने सऊदी अरब को अपनी विदेश नीति में ज्यादा अहमियत नहीं दी है, इसलिए इस बात की आशंका पहले से लगाई जा रही थी कि वह खाड़ी देशों के खिलाफ कड़े फैसले ले सकते हैं। पर यह फैसला सऊदी अरब की सुरक्षा ही खतरे में डाल देगा, इसकी कल्पना तो खुद सऊदी अरब ने भी नहीं की थी। अमेरिका द्वारा सऊदी से सुरक्षा वापस लेने से अब इस देश में इस्लामिक आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। हुती विद्रोही जो यमन से खाड़ी देश को निशाना बनाते रहे हैं, अब उनके हाथ पूरी तरह खुल गए हैं। यह विद्रोही गुट ड्रोन हमलों के लिए बदनाम है। 31 अगस्त के दिन ही सऊदी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में एक हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ था। इससे एक दिन पहले भी ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि सऊदी पर होने वाले हमलों में और तेजी आ सकती है। आपको बताएं कि सऊदी नीति सैन्य गठबंधन की 2015 से यमन में हुती से लड़ाई चल रही है, जो सऊदी अरब के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, सैन्य प्रतिष्ठानों और अन्य अवसंरचना को निशाना बनाते रहे हैं। इस युद्ध के दौरान यमन में 1,35,000 से ज्यादा मुसलमानों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अब अमेरिका अपनी रणनीति धीरे धीरे बदल रहा है। वह मुस्लिम देशों से अपना ध्यान हटाकर चीन की चुनौती की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और सऊदी से सुरक्षा हटाना उसी रणनीति का एक हिस्सा है। यानी अब साउथ एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक अफरा तफरी का माहौल बनने का खतरा बढ़ गया है। यूं भी दुनिया में आतंकी पैदा करने में पाकिस्तान अगर एक नर्सरी है, तो इस नर्सरी को खाद पानी देने वाले खाड़ी देश हैं। अब इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए मुसलमान आतंकी इनका सिरदर्द बढ़ाने वाले हैं। अमेरिका द्वारा सुरक्षा उपकरण हटाने के बाद सऊदी के हाथ पांव फूल गए हैं। उस पर ड्रोन और रॉकेट हमलों का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। सऊदी की सेना में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने दम पर कोई जंग लड़ सके या फिर हवाई हमलों का मुकाबला कर सके। हालांकि सऊदी अरब ने कहा है कि उसकी सेना अपनी जमीन की सुरक्षा करने में सक्षम है, पर सवाल यह भी उठता है कि जो सेना अमेरिका के होते हुए हुती विद्रोहियों को काबू नहीं कर सकी, उसके जाइल और बकलोल मुल्ला कौन सा तीर चला पाएंगे। इसलिए दूसरों के लिए कब्र का इंतजाम करने वाले सऊदी की अब अपनी कब्र खोदने की तैयारी हो गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।